हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो बेटा, जैसा कि आप लोग जानते हो कि फिज़िकल वर्ल्ड हम लोग पढ़ रहे हैं, और फिज़िकल वर्ल्ड में हम लोगों के लगभग 3 लेक्चर हो चुके हैं अभी तक, जो मैंने आप लोगों को बताया है। साइंस के बारे में, फिज़िक्स के बारे में, फिज़िक्स के डोमेन्स के बारे में, माइक्रोस्कोपिक, मैक्रोस्कोपिक, साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन मैंने आप लोगों को बताया है। हालांकि साइंटिस्ट बहुत सारे हैं, लेकिन मैंने आप लोगों को ऐसे साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन बताया है जिनका फिज़िक्स में बहुत ज़्यादा योगदान रहा है। फिज़िक्स को बनाने के पीछे ही मेनली वो साइंटिस्ट हैं, ठीक है। उनके कंट्रीब्यूशन के बारे में कि कौन से साइंटिस्ट ने क्या काम किया है, आज हम बात करेंगे बेटा। आगे अपने लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं, और आज हम लोग जानेंगे फंडामेंटल फोर्सेस ऑफ नेचर के बारे में, कि इस नेचर के अंदर फंडामेंटल फोर्सेस कौन कौन से हैं। पहले तो आप ये जानिए कि फंडामेंटल क्या होता है। देखिए स्टूडेंट, फंडामेंटल का फिजिक्स में मतलब होता है कि ऐसी चीज़ें जो बड़ी ही बेसिक है, जो बड़ी ही माइनर चीज़ें हैं, और आपको अपने आसपास के एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगी, उन्हें हम नाम देंगे यहाँ पर फंडामेंटल, यानी मूलभूत का, ठीक है। तो फंडामेंटल फोर्सेस ऑफ नेचर के बारे में हम यहाँ बेटा पढ़ना स्टार्ट करेंगे, और आइए देखते हैं कि फंडामेंटल फोर्सेस कौन कौन से होते हैं। इस पूरे यूनिवर्स में 4 तरीके के फंडामेंटल फोर्सेस हैं बेटा। इस पूरे यूनिवर्स में हम 4 तरीके के फंडामेंटल फोर्सेस पढ़ते हैं। आप ये समझिए कि पूरी फिजिक्स 4 फोर्सेस के पिलर्स पर टिकी हुई है, 4 पिलर के पर स्टैंड है। वो कौन कौन से फोर्सेस हैं? नंबर 1, ग्रेविटेशनल फोर्स। नंबर 1 है बेटा हमारे पास में ग्रेविटेशनल फोर्स। नंबर 2 है हमारे पास में इलेक्ट्रोडायनामिक फोर्स, इलेक्ट्रोडायनामिक फोर्स। नंबर 3 है हमारे पास में स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। और 4th है हमारे पास में वीक न्यूक्लियर फोर्स। बेटा 4th है अपने पास में वीक न्यूक्लियर फोर्स। चौथे नंबर पर है वीक न्यूक्लियर फोर्स। आइए बच्चों, अब हम जानते हैं अपने फंडामेंटल फोर्सेस के बारे में। देखिए स्टूडेंट, फंडामेंटल फोर्सेस में मैंने आपको बताया कि भाई हमारे पास में 4 फोर्सेस हैं फंडामेंटल। एक का नाम है ग्रेविटेशनल फोर्स, एक का नाम है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, एक का नाम है वीक न्यूक्लियर फोर्स, और चौथे का नाम है हमारे पास में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। अब मैं इन 4 फोर्सेस को आपके सामने एक्सप्लेन करूंगा। देखो, हम बहुत डिटेल में तो यहाँ नहीं जाएंगे, क्योंकि ये हमारा कोई फिजिक्स का चैप्टर नहीं है, ये हमारा फिजिक्स का बेसिक इंट्रोडक्शन है, और इंट्रोडक्शन में हम बहुत डिटेल्ड में नहीं जाएंगे, फॉर्मूला या क्वेश्चंस वगैरह की बात नहीं करेंगे। आगे चलकर चैप्टर्स में ये सभी चीज़ें हमारे सामने आनी ही वाली है। हम सिर्फ उतनी बात करेंगे कि आप लोग इनके बारे में थोड़ा सा समझ जाएं कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, वीक न्यूक्लियर क्या है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर क्या है, और इलेक्ट्रोडायनामिक फोर्स क्या होता है। तो बेटा, आप सबसे पहले अपनी कॉपी में लिख लीजिए कि हमारे पास में है 4 फंडामेंटल फोर्सेस, ग्रेविटेशनल, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर, वीक न्यूक्लियर एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। अब हम एक एक फोर्स को डिस्कस करेंगे आपके सामने, एक एक फोर्स के बारे में हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे बेटा। नंबर 1 फोर्स जो हमारे सामने आता है स्टूडेंट, देखिए नंबर 1 फोर्स जो हमारे सामने आता है, पहले तो इनका बेसिक इंट्रोडक्शन ही आपको दे रखा है। जैसे न्यूटन साहब की कहानी आपको याद होगी, एप्पल नीचे गिरा और न्यूटन ने ग्रेविटी को डिस्कवर कर दिया, ठीक है। हमारा पूरा सोलर सिस्टम ग्रेविटेशन के कंसेप्ट के ऊपर ही काम करता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, आप ये समझिए कि चार्ज पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स काम करते हैं, इतना तो हमने 10th क्लास में बेसिक पढ़ ही रखा है कि पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ये तो हमने पढ़ ही रखा है भैया, ठीक है। तो उन फोर्सेस को हम नाम देते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। उसके बाद हमारे पास में आता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। मैं अभी और डिटेल में इनके बारे में आप लोगों को बताऊंगा, लेकिन आप लोग पहले
सुन लीजिए बेटा ध्यान से कि कंडीशन होती क्या है, ध्यान से सुनिएगा। देखिए हम लोग जानते हैं कि एटम बहुत छोटा पार्टिकल है और एटम के अंदर होता है न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के अंदर होता है प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है ये भी कुछ एलिमेंट्री पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं, कुछ एलिमेंट्री लेयर से मिलकर बने होते हैं, यानी प्रोटॉन के अंदर भी कुछ होता है, उसे हम लोग बोलते हैं क्वार्क। उन क्वार्क के बीच में जो फोर्स काम करता है, उन क्वार्क के बीच में जो फोर्स काम करता है या प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में जो फोर्स काम करता है उसे हम लोग बोलते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ऐसे ही जब रेडिएशंस होती हैं, रेडिएशंस क्या होती हैं, एक इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से निकलकर दूसरी बॉडी पर चला गया या कोई भी छोटी मोटी न्यूक्लियर रिएक्शन हो गई, एक इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से निकलकर दूसरी बॉडी पर चला गया, उस कंडीशन में जो फोर्स काम करेगा वो हमारा वीक न्यूक्लियर फोर्स होगा। ये तो सिर्फ एक बहुत ही बेसिक सा इंट्रोडक्शन है, अभी तो और डिटेल में हम इनके बारे में जानेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि इन चारों के नाम आप लोगों ने लिख लिए होंगे अपनी कॉपी के अंदर। नंबर 1 ग्रेविटेशन, नंबर 2 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, नंबर 3 स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर एंड नंबर 4 वीक न्यूक्लियर। अब हम इनके बारे में आइए जानते हैं बेटा कि कंडीशन क्या है। बेसिक MCQs हैं, अभी तो हमने कुछ पढ़ा ही नहीं है, MCQs कहाँ से हम लोग सॉल्व कर देंगे। ग्रेविटेशनल फोर्स नंबर 1 है बेटा हमारे पास में, ग्रेविटेशनल फोर्स। आइए अब हम जानेंगे ग्रेविटेशन फोर्स के बारे में, ठीक है। देखो बेटा, आप सभी लोगों ने एप्पल के फॉल करने वाली कंडीशंस ये पढ़ी हुई है, सबने पढ़ी हुई है कि भाई न्यूटन साहब पेड़ के नीचे बैठे हुए थे और ऊपर से एप्पल गिरा, सर पे लगा और न्यूटन ने सोचा कि यार एप्पल नीचे ही क्यों आया, ऊपर क्यों नहीं गया। न्यूटन ने पूरी मैथमेटिक्स लगा दी, गैलीलियो गैलीली की किताब से कुछ चुराया और उन सबको मेल जोल करके अपने लॉज दे दिए जिन्हें हम न्यूटन ग्रेविटेशन लॉ के नाम से जानते हैं। अब मैं आप लोगों को ग्रेविटेशन फोर्स के बारे में बताता हूँ कि ग्रेविटेशन फोर्स क्या है, ध्यान से मेरी बात आप लोग सुनिएगा बेटा। ग्रेविटेशन फोर्स होता क्या है, देखो जिस भी बॉडी के पास में मास है, मास का मतलब समझते हैं किलोग्राम के अंदर जो हम मेज़र करते हैं, जिस भी बॉडी के पास में मास है चाहे वो कितनी भी बड़ी बॉडी क्यों ना हो या कितनी भी छोटी बॉडी क्यों ना हो, उन बॉडीज़ के बीच में एक म्यूचुअल अट्रैक्शन काम करता है जिसे हम लोग नाम देते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। यानी मैं अगर एग्जाम्पल देकर आप लोगों को बताऊं, फॉर एग्जाम्पल मैं क्लास में खड़े होकर यहाँ पढ़ा रहा हूँ बेटा आप लोगों को, और आप लोगों में से कोई स्टूडेंट मेरी क्लास में यहाँ बैठा हुआ है, अब मेरी बॉडी में भी कोई ना कोई मास है, आपकी बॉडी में भी कोई ना कोई मास है, तो हमारी बॉडीज़ एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी, इसी फोर्स को हम ग्रेविटेशन फोर्स का नाम देंगे। अब आप देखो कि मेरी बॉडी में भी मास है और अर्थ में तो बहुत ही ज़्यादा मास है यार, अर्थ के अंदर अर्थ तो बहुत बड़ी है, 6 × 10^24, 6 × 10^24 किलोग्राम मास है। अब मेरी बॉडी में भी मास है, अर्थ के पास तो बहुत ही ज़्यादा मास है, तो मेरी बॉडी हमेशा अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होती है, इसीलिए मैं अर्थ के सरफेस पर खड़ा हूँ क्योंकि अर्थ ने मुझे अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखा हुआ है। तो दो बॉडीज़ के बीच में हमेशा एक फोर्स काम करता है, अट्रैक्शन फोर्स, इस फोर्स को हम नाम देते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। हम आपस में ग्रेविटेशनल फोर्स को महसूस इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि हमारे बीच में जो ग्रेविटेशन फोर्स काम कर रहा है ना, उससे कई लाख गुना फोर्स अर्थ के और हमारे बीच में काम कर रहा है। यानी अर्थ हमारे ऊपर जो ग्रेविटेशन फोर्स लगा रही है वो फोर्स बहुत 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 ज़्यादा है हमारे बीच में काम करने वाले फोर्स से, इसीलिए हमारे बीच में जो फोर्स काम करता है हम उसे फील ही नहीं कर पाते हैं, हम सिर्फ अर्थ का ग्रेविटेशन फोर्स फील कर पाते हैं। तो बेटा डेफिनेशन हमारे सामने, मैं कोई फार्मूला आप लोगों को यहाँ बिल्कुल नहीं बताऊँगा क्योंकि मुझे फार्मूले की बात नहीं करनी है, फार्मूले की बात मैं चैप्टर में करूँगा जब चैप्टर आएगा।
मैं यहाँ सिर्फ बात करूँगा कि ग्रेविटेशन फोर्स होता क्या है, आपको ग्रेविटेशन फोर्स की फील आ सके कि भाई हाँ ग्रेविटेशन फोर्स है क्या। तो बेटा ग्रेविटेशन फोर्स के बारे में पूरी कहानी आप सुन लीजिए ध्यान से, और इतना ध्यान से सुनिएगा कि एक एक वर्ड आप लोगों के सीधा यहाँ टच करना चाहिए, ठीक है। देखो नंबर वन, ग्रेविटेशन फोर्स दो बॉडीज के बीच में काम करने वाला अट्रैक्शन फोर्स है। ग्रेविटेशन फोर्स दो बॉडीज के बीच में काम करने वाला अट्रैक्शन फोर्स है। बॉडी चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, कितनी भी छोटी क्यों ना हो, उनके बीच में एक म्यूचुअल अट्रैक्शन काम करेगा जिसे हम ग्रेविटेशन फोर्स का नाम देंगे। समझ में आ रही बात? अब जितनी भी बॉडी अर्थ के सरफेस पर फॉल करती हैं वो सब ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से ही करती हैं, क्योंकि अर्थ उन सभी बॉडी इसके ऊपर एक फोर्स लगाता है जिसे हम ग्रेविटेशन फोर्स का नाम देते हैं। ये ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ही वीक फोर्स है बच्चों, बहुत ही कमज़ोर फोर्स होता है। ग्रेविटेशन फोर्स बहुत ही वीक फोर्स है, बहुत वीक फोर्स है। लेकिन वीक फोर्स होने के बावजूद पूरे यूनिवर्स में जितने भी बड़े बड़े फिनोमिना होते हैं, जितने भी बड़ी बड़ी हलचल होती हैं, ब्लैक होल का बनना, वॉर्म होल का बनना, किसी भी स्टार का फिनिश हो जाना, किसी भी स्टार की डेथ हो जाना, किसी भी स्टार का रीबॉर्न होना, समझ में आ रही बात? पूरे यूनिवर्स में जितने भी बड़े बड़े फिनोमिना होते हैं, यानी देखने में तो बहुत कमज़ोर है लेकिन यूनिवर्स का सबसे बड़ा डॉन है ग्रेविटेशन फोर्स। पूरे यूनिवर्स में जिस फोर्स की सबसे ज़्यादा चलती है वो ग्रेविटेशन फोर्स है। कमज़ोर है लेकिन है बहुत बढ़िया, ठीक है। ग्रेविटेशन फोर्स बहुत ही वीक फोर्स है लेकिन पूरे यूनिवर्स में सबसे सबसे रिस्पॉन्सिबल फोर्स और सबसे इम्पॉर्टेंट फोर्स यही है। जितने ज़्यादा बड़े बड़े फिनोमिना होते हैं सबके पीछे इसी का हाथ होता है बेटा। बात समझ में आ गई आप लोगों को? तो आप लोगों ने ग्रेविटेशन फोर्स के बारे में ये जाना कि दो बॉडी हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी, इस फोर्स को हम नाम देंगे ग्रेविटेशनल फोर्स, चाहे वो बॉडी कितनी भी छोटी क्यों ना हो या कितनी भी बड़ी क्यों ना हो। ये ग्रेविटेशन फोर्स बहुत ही वीक फोर्स होता है लेकिन यूनिवर्स में ये बड़ा इम्पॉर्टेंट साबित है। यूनिवर्स का डॉन है ग्रेविटेशनल फोर्स। जितने भी बड़े बड़े फिनोमिना यूनिवर्स में होते हैं सबके पीछे ग्रेविटेशन फोर्स ही रिस्पॉन्सिबल है। अब जितनी भी बॉडी अर्थ के सरफेस की तरफ फॉल करती हैं उन सब के पीछे ग्रेविटेशन फोर्स ही है बेटा, उन सब के पीछे ग्रेविटेशन फोर्स है। या हमारी अर्थ सन के जो चारों तरफ चक्कर लगा रही है उसके पीछे भी ग्रेविटेशन है, मून अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है उसके पीछे भी ग्रेविटेशन है, जुपिटर के 12 मून हैं, 12 मून हैं, वो 12 मून जुपिटर के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं उसके पीछे भी ग्रेविटेशन है। बात समझ में आ रही है? तो ये है ग्रेविटेशन फोर्स की कहानी बेटा, ध्यान रखेगा आप लोग जो मैंने आपको ग्रेविटेशन फोर्स के बारे में बताया है। तो अब आप यहाँ से डेफिनेशन नोट डाउन कर लीजिए। डेफिनेशन है द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द अर्थ एंड एनी अदर बॉडी ऑफ दिस यूनिवर्स इज नोन एज फोर्स ऑफ ग्रेविटी और ग्रेविटेशनल फोर्स। फोर्स ऑफ ग्रेविटी और ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। और ये ग्रेविटेशन फोर्स किसने दिया? न्यूटन बाबा ने, ठीक है। कब दिया? जब उसके सर के ऊपर एप्पल गिरा तो उसने पूरी कहानी को डिस्कवर कर दिया बेटा। अब देखो ये जो हमारी अर्थ है सन के चारों तरफ रिवॉल्व कर रही है सोलर सिस्टम में, इसके पीछे कौन रेस्पॉन्सिबल है? ग्रेविटेशन फोर्स ही रेस्पॉन्सिबल है। बात समझ में आ रही है? तो ग्रेविटेशन फोर्स बहुत ही कमज़ोर फोर्स है लेकिन यूनिवर्स में इसकी बहुत चलती है भैया, ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। इट इज़ अ, अब ये दो पॉइंट अपनी कॉपी में आप लिखेंगे, इट इज़ अ फोर्स ऑफ म्यूचुअल अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट बाय ऑफ देयर मासेज, ठीक है। यानी उनके मासेज की वजह से उनके बीच में जो अट्रैक्शन काम करता है उसी का नाम ग्रेविटेशनल फोर्स है। इट इज़ अ यूनिवर्सल फोर्स, भैया पूरे यूनिवर्स में काम करता है ये, ऐसा नहीं है कि अर्थ के सरफेस पर ही देखने को मिलेगा या किसी पर्टिकुलर प्लैनेट पर ही आपको देखने को मिलेगा, ये आपको हर जगह देखने को मिलेगा, पूरे यूनिवर्स में आपको ये देखने को मिलेगा बेटा, हर जगह आपको देखने को मिलेगा, पूरे यूनिवर्स में आपको देखने को मिलेगा।
उम्मीद करते हैं कि समझ आ रही होगी बात, ठीक है। इसमें आप एक और पॉइंट ऐड करेंगे और वो है ग्रेविटेशनल फोर्स इज द वीकेस्ट फोर्स ऑफ नेचर, इज द वीकेस्ट फोर्स ऑफ नेचर। ग्रेविटेशनल फोर्स इज द वीकेस्ट फोर्स ऑफ नेचर। जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स है वो इस नेचर का सबसे कमजोर फोर्स है, ठीक है। एक और पॉइंट आप लिखेंगे, इट इज अ सेंट्रल फोर्स, इट इज ए सेंट्रल और कंजर्वेटिव फोर्स, सेंट्रल और कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है। ये पॉइंट भी आप लोग लिख लेंगे बेटा, इट इज अ सेंट्रल और कंजर्वेटिव फोर्स। बताता हूं मैं इसके बारे में कि सेंट्रल और कंजर्वेटिव होता क्या है, जल्दी से नोट डाउन करिए आप लोग। तो बेटा सेंट्रल और कंजर्वेटिव होता क्या है आप लोग जरा समझें। देखिए सेंट्रल और कंजर्वेटिव है क्या, मान लीजिए कि एक बॉडी है हमारे पास में ये रही, एक दूसरी बॉडी है हमारे पास में ये रही, इस बॉडी का सेंटर है यहां पर और इस बॉडी का सेंटर है यहां पर, दोनों बॉडीज के सेंटर को ज्वाइन करा दो आपस में, हमने दोनों बॉडीज के सेंटर को आपस में ज्वाइन करा दिया। तो दोनों बॉडीज के सेंटर को जो ज्वाइन कराने वाली लाइन है ना, इसके अलोंग जो फोर्स काम करता है, यानी ये वाली बॉडी इसकी तरफ अट्रैक्ट होगी ऐसे और ये वाली बॉडी इस तरफ अट्रैक्ट होगी ऐसे, दोनों बॉडीज के सेंटर को जो ज्वाइन करने वाली लाइन है उस लाइन के अलोंग जो फोर्स काम करता है वो हमारा सेंट्रल कंजर्वेटिव फोर्स कहलाएगा। कंजर्वेटिव फोर्स वो होता है जो पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता, अभी इसकी बात नहीं करेंगे, आगे चलकर ही इसकी बात करेंगे। तो बेटा ग्रेविटेशन फोर्स के बारे में जितनी भी कहानी थी सब मैंने आपको सुना दी, फॉर्मूला यहाँ नहीं बताऊँगा, जितना बताया है उतना आप लोगों के लिए सफिशेंट है कि ग्रेविटेशन फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव नेचर का होगा, सबसे कमज़ोर फोर्स होगा सेंट्रल फोर्स होगा, कंजर्वेटिव फोर्स होगा, और यूनिवर्स में इसकी खूब चलती है, यूनिवर्स में जितने भी फिनोमिना होते हैं सबके पीछे ग्रेविटेशन फोर्स ही होता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि बात आप लोगों को समझ आई हो, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक ना हो, ठीक है। ये बेटा आप लोगों के MCQs हैं, आप लोग खुद से एक बार ट्राई करें और देखें कि आप कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, जो हमने आपको पढ़ाया है उसके ऊपर ही बेस्ड है, ठीक है, कर पाएंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगले नंबर पे जो फोर्स हमारे पास में आता है बेटा, इस फोर्स का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स अगले नंबर पर जो हमारे सामने फोर्स आता है इसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। अब देखिए जानिएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होता क्या है। बेटा आप लोग जानते हैं कि चार्ज क्या होता है, चार्ज टू टाइप्स का होता है, पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज। अब चार्जेस के बीच में जो फोर्स काम करते हैं, चार्जेस के जो बीच में फोर्स काम करते हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करेंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करेंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, इनके बीच में जो फोर्स काम करता है ये, इसी फोर्स को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू इलेक्ट्रिक चार्जेस और चार्ज बॉडीज आर नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। यही हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कहलाएगा, यानी फोर्स एक्ट बिटवीन टू चार्ज बॉडी,
दो चार्ज बॉडी के बीच में जो फोर्स काम करेगा वही हमारा बेटा कहलाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। आप ये देखो बेटा हमारे पास में, सुनिए ध्यान से, अगर मैंने यहाँ पॉजिटिव बनाया और मैंने यहाँ भी पॉजिटिव बनाया तो तुरंत आप कहेंगे कि ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को इधर रिपेल करेगा और ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को इधर रिपेल करेगा। पॉजिटिव पॉजिटिव दोनों एक दूसरे को पीछे हटाएंगे। अगर मैंने यहाँ नेगेटिव बनाया और मैंने यहाँ पॉजिटिव बनाया, आप कहेंगे कि नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ जाएगा और पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ जाएगा, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अगर मैंने यहाँ नेगेटिव बनाया और यहाँ भी मैंने नेगेटिव बनाया तो आप कहेंगे कि नेगेटिव और नेगेटिव ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। एक जैसे लाइक चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं और अनलाइक चार्ज एक दूसरे को करते हैं अट्रैक्ट। तो यहाँ काम करेगा रिपल्शन, यहाँ काम करेगा अट्रैक्शन और यहाँ काम करेगा रिपल्शन। इसी फोर्स को हम नाम देते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। वेरी इजी, बहुत आसान। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या था? दो बॉडीज के बीच में उनके मास की वजह से जो अट्रैक्शन काम करता है, हमेशा अट्रैक्शन मास की वजह से जो काम करता है वो ग्रेविटेशनल फोर्स है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में चार्ज की वजह से, पॉजिटिव पॉजिटिव की वजह से, नेगेटिव नेगेटिव की वजह से या पॉजिटिव नेगेटिव की वजह से जो रिपल्शन या अट्रैक्शन काम करेगा उसी को हम नाम देंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो बेटा ये है हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की डेफिनेशन। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स से स्ट्रांग होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे वीक फोर्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स उससे थोड़ा सा स्ट्रांग होता है। कितना स्ट्रांग होता है मैं अभी आप लोगों को बताऊंगा। इन दोनों में दो डिफरेंस है। ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव नेचर का होगा, हमेशा अट्रैक्शन काम करेगा और सबसे वीक फोर्स होता है। और ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है ये अट्रैक्टिव भी हो सकता है, ये रिपल्सिव भी हो सकता है। और ये सबसे वीक फोर्स बिल्कुल नहीं है, ये स्ट्रांग फोर्स होता है बेटा। समझ में आ गई बात आप लोगों को? अब जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए इसे। जल्दी से नोट डाउन करिए और देखिए कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या है और ग्रेविटेशनल फोर्स क्या था बेटा आपके सामने, और कैसे कैसे हमने आपको एक्सप्लेन किया। उम्मीद है कि आप लोग हमारी बात को अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे और यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ये चार्जेस के बीच में काम करने वाला अट्रैक्शन या रिपल्शन है और ग्रेविटेशनल फोर्स बॉडीज़ के बीच में काम करने वाला अट्रैक्शन है। उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे बेटा। अब हम बढ़ते हैं आगे, ये इनके ऊपर एमसीक्यूज आएंगे तो मैं चाहूँगा कि एमसीक्यूज आप लोग खुद ब खुद सॉल्व करें, आराम से सॉल्व हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। जो पढ़ाया है उसी के ऊपर बेस्ड है बेटा। इसके बाद हमारे पास में आता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। देखिए स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होता क्या है, आप ध्यान से सुनिएगा कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स क्या है। देखिए एटम सब जानते हो, पहले बताओ जानते हो या नहीं जानते हो? बिल्कुल जानते हैं, एटम सभी लोग जानते हैं एटम क्या होता है। अब मैं एटम से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखो यह है मेरे पास में एटम, ठीक, और ये पहुंच गए हम एटम के अंदर न्यूक्लियस में। यह है न्यूक्लियस, इस न्यूक्लियस के अंदर होते हैं प्रोटोन, ये ब्लू कलर से बना रहा हूं प्रोटोन, और यह है आप लोगों के न्यूट्रॉन, या ये प्रोटोन है ये न्यूट्रॉन है। ये हो गया आप लोगों का प्रोटोन, ये भी हो गया प्रोटोन, ये भी हो गया प्रोटोन, ठीक है, और न्यूट्रॉन हो गई ये भी न्यूट्रॉन, ये भी न्यूट्रॉन, ये भी न्यूट्रॉन। बात समझ में आ रही बेटा? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में जो फोर्स काम करता है, दिस इज प्रोटॉन और ये न्यूट्रॉन, ये न्यूट्रॉन, ये भी न्यूट्रॉन, ये प्रोटॉन, ये भी प्रोटॉन, यानी न्यूक्लियस को स्टेबल बनाए रखने के लिए, न्यूक्लियस को स्टेबल बनाए रखने के लिए, क्या बनाए रखने के लिए? स्टेबल। जैसे हम आप लोग
भाई हम लोग क्या करते हैं, अपने आप को स्टेबल बनाए रखने के लिए 100 काम करते हैं, बहुत सारे काम करेंगे। मान लो कि कोई क्लास का टॉपर है, वो अपने आप को टॉपर बनाए रखने के लिए खूब पढ़ाई करेगा, 4 बुक लगाएगा, 5 बुक लगाएगा, खूब काम करेगा। वैसे ही ये न्यूक्लियस अपने परिवार को सुरक्षित रखने के लिए प्रोटोन न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन और प्रोटोन न्यूट्रॉन, इनके बीच में एक स्ट्रॉन्ग फोर्स काम करता है, जो इन्हें एक दूसरे से बहुत मजबूती के साथ बांधे रखता है। उसी फोर्स को हम नाम देते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। वेरी इजी, बहुत आसान डेफिनेशन है कि बेटा यह है एटम, यह है एटम के अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का जो फैमिली है ना वो बड़ी अनस्टेबल सी फैमिली है, यानी न्यूक्लियस की फैमिली, ये जो प्रोटोन न्यूट्रॉन है इनकी टेंडेंसी ये होती है कि हम टूटकर बिखर जाए, हम टूटकर बाहर निकल जाए यहाँ से, भाग जाए यहाँ से, ठीक है। लेकिन न्यूक्लियस अपनी फैमिली को बचाए रखने के लिए उन्हें बांध के रखता है, उन्हें बाउंड करके रखता है। क्या करके रखता है कि प्रोटोन और न्यूट्रॉन एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन एक दूसरे को स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेंगे, प्रोटोन प्रोटोन एक दूसरे को स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेंगे, यानी न्यूक्लियस के अंदर इनके बीच में एक फोर्स काम करेगा बेटा। बस उसी फोर्स को हम नाम देंगे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, यानी फोर स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस को बनाए रखने के लिए, न्यूक्लियस को सुरक्षित बनाए रखने के लिए, न्यूक्लियस को स्टेबल बनाए रखने के लिए इनके बीच में एक स्ट्रॉन्ग फोर्स काम करता है। उसी फोर्स को हम लोग नाम देते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है। अब डेफिनेशन आप लोग देख लीजिए बेटा क्या है, द अट्रैक्टिंग फोर्स बिटवीन न्यूक्लियॉन्स। ये जो न्यूक्लियॉन्स लिखा हुआ है ना बेटा, ये जो न्यूक्लियॉन्स लिखा हुआ है, इस न्यूक्लियॉन्स का मतलब होता है प्रोटोन प्लस न्यूट्रॉन, प्रोटोन प्लस न्यूट्रॉन। इनसाइड द न्यूक्लियस इज कॉल्ड न्यूक्लियर फोर्स, ये हमारा न्यूक्लियर फोर्स कहलाएगा। अब न्यूक्लियर फोर्स होते हैं हमारे टू टाइप के, एक होता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर, एक होता है वीक न्यूक्लियर। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर की डेफिनेशन अभी मैंने आपको दी, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर की डेफिनेशन अभी मैंने आपको बताई कि न्यूक्लियस को स्टेबल बनाए रखने के लिए प्रोटोन प्रोटोन, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन और प्रोटोन न्यूट्रॉन के बीच में जो अट्रैक्शन काम करता है वो हमारा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स कहलाता है। आप पहले इसे लिख लो, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ये न्यूक्लियर फोर्स और ये इसकी डेफिनेशन। तो बेटा हमारे पास में सबसे पहले आता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर क्या है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर है प्रोटोन और न्यूट्रॉन्स के अंदर जो फोर्स काम करता है, प्रोटोन और न्यूट्रॉन के बीच में जो फोर्स काम करता है, या प्रोटोन और प्रोटोन के बीच में जो फोर्स काम करेगा, या न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन के बीच में जो फोर्स काम करेगा, उसे हम नाम देंगे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। आप अपनी कॉपी में डेफिनेशन लिख लीजिए, पहले आप हेडिंग लिख दीजिए स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, और उसमें फिर आप लोग लिखेंगे द फोर्स एक्ट बिटवीन द न्यूक्लियॉन्स, द फोर्स एक्ट बिटवीन द न्यूक्लियॉन्स, द फोर्स एक्ट बिटवीन द न्यूक्लियॉन्स फोर स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस, फोर Stability of nucleus called strong nuclear force, called strong nuclear force. देखो ये डायग्राम आपको दिख रहा है, ये तो है न्यूट्रॉन और ये जो पॉजिटिव वाला है ये है प्रोटोन। इनके जो बीच में ये जो फोर्स काम कर रहा है ना, जिससे ये अट्रैक्ट हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करके रखे हुए हैं, इसी फोर्स का नाम है बेटा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। इसी फोर्स को हम स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स कहेंगे। देखो ये दिख रहा होगा आप लोगों को, ये इतना पोर्शन आपको दिख रहा होगा, ये पॉजिटिव है, ये न्यूट्रॉन है, इनके बीच में जो फोर्स काम करेगा वही हमारा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स कहलाएगा। तो अभी तक मैं तीन फोर्स आपको पढ़ा चुका हूँ। नंबर वन ग्रेविटेशन फोर्स, मासेस के बीच में जो अट्रैक्शन काम करेगा, ऑलवेज अट्रैक्शन, दिस इज ग्रेविटेशन फोर्स, वीक फोर्स होता है। फिर
चार्जेस के बीच में जो फोर्स काम करेगा, पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव और पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में जो फोर्स काम करेगा वो है इलेक्ट्रोडायनामिक, ग्रेविटेशन से स्ट्रांग होता है। फिर हमने पढ़ाया आपको न्यूक्लियर फोर्स, न्यूक्लियस को स्टेबल बनाए रखने के लिए, न्यूक्लियस का साइज ना बढ़े, उसे ऐसा बनाए रखने के लिए कि उसका साइज बढ़ना नहीं चाहिए। बात समझ में आ रही है? ऐसे फोर्स को हम नाम देते हैं न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स है टू टाइप का, एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर, एक वीक न्यूक्लियर। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर कौन सा है? दिस इज न्यूट्रॉन और यह है प्रोटॉन। इनके बीच में जो फोर्स काम कर रहा है स्टेबिलिटी के लिए, या प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच में जो फोर्स काम कर रहा है, या न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन के बीच में जो फोर्स काम कर रहा है, उसे हम नाम देते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। उम्मीद करता हूं कि डेफिनेशन समझ में आ गई होगी आप लोगों को। इसके बाद हमारे पास में आता है बेटा वीक न्यूक्लियर फोर्स। आइए जानते हैं वीक न्यूक्लियर फोर्स के बारे में। अब होता क्या है, ध्यान से आप हमारी बात सुनिएगा। देखो ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस, मैंने आपसे कहा था कि भाई न्यूक्लियस अपनी फैमिली को बचाए रखने के लिए एक फोर्स लगाता है जिसे हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि उसकी फैमिली बच नहीं पाती है, न्यूक्लियस के अंदर से रेडिएशन बाहर निकलना स्टार्ट कर देती है और न्यूक्लियस के अंदर से एक पार्टिकल बाहर निकल जाता है। जब न्यूक्लियस के अंदर से एक पार्टिकल बाहर निकल गया तो ये जो पार्टिकल बाहर निकला है और ये जो न्यूक्लियस है, इनके बीच में जो अट्रैक्शन काम करेगा, इसी अट्रैक्शन को हम नाम देंगे वीक न्यूक्लियर। जब तक ये पार्टिकल बाहर नहीं निकलेगा तब तक का जो फोर्स था हमारा, उसका नाम था स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर। बेटा जब तक ये पार्टिकल बाहर नहीं निकला, तो जब तक का देखो, जब तक ये पार्टिकल यहाँ से बाहर नहीं निकला तब तक हमारा फोर्स था स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर। लेकिन जब ये पार्टिकल यहाँ से बाहर निकल गया, जब ये पार्टिकल यहाँ से बाहर निकल गया, फिर इस फोर्स को हम नाम देंगे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर। जब पार्टिकल यहाँ से बाहर निकल गया, फिर हम इस फोर्स को नाम देंगे वीक न्यूक्लियर फोर्स। इस पार्टिकल और इसके बीच में जो फोर्स काम करेगा वो हमारा कहलाएगा वीक न्यूक्लियर फोर्स। यानी जब तक फैमिली एक जगह थी तब तक स्ट्रॉन्ग थी, जैसे ही फैमिली का एक मेंबर बाहर निकला, इनके बीच में जो अट्रैक्शन काम करेगा, फिर हमारा वीक न्यूक्लियर कहलाएगा। यानी जब तक फैमिली एक जगह थी तो ये न्यूक्लियस फैमिली को स्टेबल बनाए रखने के लिए खूब दम लगा रहा था, लेकिन जब इसका मेंबर एक फैमिली को छोड़कर बाहर चला गया ना, फिर ये न्यूक्लियस इसे वापस बुलाने के लिए ज़्यादा फोर्स नहीं लगाएगा। एक बार कहेगा कि भाई आना चाहता है तो तू आ जा, नहीं तो जा यहाँ से। लेकिन जब तक फैमिली एक जगह थी तब तक खूब फोर्स लग रहा था, लेकिन जैसे ही एक मेंबर बाहर निकल गया, फिर इसे कहेगा कि भाई देख ले, तेरी इच्छा है, अगर तू वापस आना चाहता है तो वापस आ जा, नहीं तो तेरी इच्छा है तो जा सकता है। और इन दोनों के बीच में जो अट्रैक्शन काम करेगा वो हमारा कहलाएगा वीक न्यूक्लियर। तो उम्मीद है कि चारों चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। ग्रेविटेशन फोर्स, मासेज के बीच में काम करने वाला अट्रैक्शन फोर्स, ऑलवेज अट्रैक्टिव नेचर का होगा, वीक फोर्स होगा, यूनिवर्स में डॉन है बिल्कुल, यानी यूनिवर्स में खूब चलती है इस फोर्स की। उसके बाद में है इलेक्ट्रोडायनामिक, चार्जेस के बीच में काम करने वाला अट्रैक्शन। उसके बाद में स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर, जब तक ये पार्टिकल न्यूक्लियस में रहेगा, यानी जब तक ये पार्टिकल अंदर रहेगा तब तक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर, और जब ये पार्टिकल बाहर निकल जाएगा फिर इसके और इस पूरे के बीच में काम करेगा वीक न्यूक्लियस। ये चार फंडामेंटल फोर्सेस हैं बेटा अपने पास में जो हम पढ़ते हैं। अब इन चारों फंडामेंटल फोर्सेस के बारे में एक बात मैं आप लोगों को बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स है, इसके बाद नंबर आता है इलेक्ट्रोडायनामिक, इसके बाद नंबर आता है बेटा इलेक्ट्रोडायनामिक, फिर नंबर आता है वीक न्यूक्लियर, और फाइनली सबसे कमज़ोर फोर्स है ग्रेविटेशन फोर्स। यानी आप ये समझिए कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, दिस इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑफ नेचर, यह है नेचर का स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर, और यह है सबसे वीक फोर्स, सबसे कमज़ोर फोर्स हमारे पास में है ग्रेविटेशनल फोर्स, ये सबसे कमज़ोर फोर्स है। बात समझ में आ गई बेटा आप लोगों को?
स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर सबसे स्ट्रॉन्ग है, फिर इलेक्ट्रोडायनामिक है, फिर वीक न्यूक्लियर है, फिर ग्रेविटेशनल है। इनका रेशो मैं आपको बताता हूँ, ग्रेविटेशन फोर्स रेशो, वीक न्यूक्लियर रेशो, इलेक्ट्रोडायनामिक रेशो, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर, इनका रेशो है बेटा 1:25:10^34:10^38, ये इनका रेशो है। यानी वीक न्यूक्लियर ग्रेविटेशनल फोर्स से 10^25 ज़्यादा स्ट्रांग है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ग्रेविटेशन से 10^34 स्ट्रांग है, और स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स ग्रेविटेशन फोर्स से 10^38 स्ट्रांग है। तो इनमें मैंने बता दिया है कि सबसे मजबूत फोर्स कौन सा है और सबसे कमज़ोर फोर्स कौन सा है, और ये इनका रेशो है, और फंडामेंटल फोर्सेस के बारे में हमने अच्छे से बेटा आप लोगों को बता दिया है। उम्मीद करेंगे कि आप लोगों को समझ आई हो बात। चलिए बाकी बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में।